हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और बताओ, आपके साइंस की तैयारी कैसी चल रही है? आपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू किए अभी तक या नहीं किए? जिन बच्चों ने तो कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किए तो इससे पहले मैंने केमिस्ट्री की एक वीडियो बनाई है जिसमें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सिर्फ 25 एमसीक्यू है। वो एमसीक्यू जरूर करें और वही एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था या हमें पता नहीं चला, मैंने आपको हिंट दे दिया है और समझदार को इशारा काफ़ी है। और वो वाले एमसीक्यू जरूर करके जाना। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट 25 एमसीक्यू। इन 25 एमसीक्यू में से ही आपको फिजिक्स के भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज करेंगे हम फिजिक्स के एमसीक्यू। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो जिसमें हमारे ऑप्शन है कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में ध्यान से रीड करना, क्योंकि ये लाइट चैप्टर, इसमें आपको कनकेव और कन्वेक्स में हमेशा कंफ्यूजन होती रहेगी। रीड केयरफुली। टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। तो इन चार ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन सही है, डेट इज द ए वन। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट एमसीक्यू, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। एंड द सेकेंड एमसीक्यू इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। हमारे पास ऑप्शन है इज लेस देन वन, बी ऑप्शन है इज मोर देन वन, सी ऑप्शन इज इक्वल टू वन, डी ऑप्शन है कैन बी मोर देन और लेस देन वन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है, डेट इज द ए, इज लेस देन वन। सो बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑप्शंस हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड ऑप्शन हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट लेस देन इट्स फोकल लेंथ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन चाहिए, डेट इज द सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू इज ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बाय सीन बाय यूजिंग। तुम्हारे पास ऑप्शन है ए कनकेव मिरर, ए कन्वेक्स मिरर, ए प्लेन मिरर, बोथ कनकेव एंड प्लेन मिरर। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी, ए कन्वेक्स मिरर, दिस इज द आंसर। एंड द फिफ्थ एमसीक्यू इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, बी ऑप्शन है कनकेव मिरर ओनली, सी ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर ओनली, एंड द डी ऑप्शन इज ऑल मिरर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो इसमें से जो हमारा आंसर है, डेट इज द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल मिरर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, डेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फिफ्थ एमसीक्यू। तो बच्चों, नेक्स्ट सिक्स एमसीक्यू हमारे पास, ए 10 mm लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द पिन इज फॉर्म्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। ऑप्शन हमारे पास -30 cm, बी ऑप्शन है -20 cm, सी है -40 cm, डी ऑप्शन है हमारे पास -60 cm। एक चीज में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एमएम दिया हो गया है आपको, यहाँ पे एमएम है और यहाँ पे एक सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो एमएम ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है हमारे पास बी, -20 cm, क्योंकि सारे ऑप्शन भी आपको देख लो सेंटीमीटर में दिए गए, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। एंड द नेक्स्ट सेवंथ एमसीक्यू है, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम टू मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, दिस इज अ फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है ग्रेटर देन यूनिटी, बी ऑप्शन है हमारे पास लेस देन यूनिटी, सी ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू यूनिटी, डी ऑप्शन है हमारे पास जीरो। तो इसका जो राइट आंसर है, डेट इज द ए, ग्रेटर देन यूनिटी, दिस इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द, तो बच्चों नेक्स्ट एट्थ एमसीक्यू हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन द रेटिना। तो हमारे पास ऑप्शन है रियल एंड इरेक्ट, बी ऑप्शन हमारे वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सी ऑप्शन हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड, डी ऑप्शन हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, तुम्हारे पास ऑप्शन है आयरिस, पपिल, कॉर्निया एंड सिलैरी मसल्स। तो इसमें से जो हमारा आंसर है, डेट इज कॉल्ड द
पपिल, पपिल इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू इज 10th, एट नून द सन अपियर्स वाइट एज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, बी ऑप्शन है हमारे पास रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, सी ऑप्शन है हमारे पास लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, एंड द डी ऑप्शन ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। तो करेक्ट आंसर इज द सी, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड, हमारे पास ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड डेविएशन। तो करेक्ट आंसर इज डिस्पर्शन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ 11th एमसीक्यू। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट 12th एमसीक्यू हमारे पास, द एयर लेयर ऑफ एटमोसफेयर हुज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट लेयर बिहेव एज ऑप्टिकली, तो हमारे पास ऑप्शन है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इनएक्टिव मीडियम, आइदर डेंसर और रेयर मीडियम। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही है दैट इज द ए, डेंसर मीडियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, तुम्हारे पास ऑप्शन है कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, आइदर कनकेव और कन्वेक्स, डी ऑप्शन हमारे कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है दैट इज ऑल्सो ए, कनकेव लेंस इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन हमारे पास इट्स थिकनेस, इट्स शेप, नेचर ऑफ मटेरियल एंड डी ऑप्शन इज इट्स लेंथ। तो इसका सही आंसर है सी, नेचर ऑफ द मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी आर इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी डेट विल रिमेन द सेम बिटवीन टू पॉइंट इज, तुम्हारे पास ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन है बी, वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एमसीक्यू बहुत मच मच इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं, जरूर से भी जरूर करके जाएं। तो नेक्स्ट 16th एमसीक्यू हमारे पास, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन ए 40 ओम रेजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी, हमारे पास ऑप्शन है 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 25 वोल्ट। तो इसमें से वोल्ट, तो इसमें से हमारा जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज 10 वोल्ट। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स इज, हमारे पास ऑप्शन है हाई, लो, जीरो या इनफाइनाइटली हाई। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही है दैट इज इनफाइनाइटली हाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। एंड द 18th क्वेश्चन इज, when electric resistance is passed electrons move from high potential to low potential, low potential to high potential in the direction of current, D option है against the direction of the current, so the right option is B, low potential to high potential, that is the correct answer। And the 19th MCQ, coulomb is the SI unit of, हमारे पास option है charge, current, potential difference and resistance, तो हमारे पास सही ऑप्शन है चार्ज, चार्ज का जो कूलम वो होता है ऐसा यूनिट होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमारे पास, इफ द करंट आई थ्रू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान समझना, इफ द करंट आई थ्रू ए रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100% द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी 100%, 200%, 300% एंड 400%। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है इट इज 300% is the correct answer of this question number 20। So बच्चों next 21st MCQ है हमारे पास, magnetic lines of force inside current carrying solenoid are, हमारे पास option है perpendicular to axis, B option along the axis and are parallel to each other, C option हमारे पास parallel inside the solenoid and circular at the ends, D option हमारे पास circular। So right option is C, parallel inside the solenoid and circular at the ends is the right option। Next 22 MCQ हमारे पास, a soft iron bar is introduced inside the current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid, हमारे पास option है will decrease, will remain same, will increase, will become zero, तो correct option is also C, will increase। Next 23rd question हमारे पास, in the domestic electric circuits the red colored insulated copper wire is called,
हमारे पास ऑप्शन है न्यूट्रल वायर, फ्यूज वायर, लाइव वायर, अर्थिंग वायर। तो राइट ऑप्शन इज लाइव वायर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 24th क्वेश्चन हमारे पास द फैक्टर्स ऑन विच वन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड्स डिपेंड्स आर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट एमसीक्यू इज बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइंड। तो हमारे पास ऑप्शन है मैग्नेटिक नीडल, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड द लास्ट वन इज वोल्ट मीटर। सो राइट ऑप्शन इज डी, वोल्ट मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो ये थे सारे के सारे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे। तो अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, हर एक बच्चे तक ये एमसीक्यू पहुंचाएं, क्योंकि इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ फिजिक्स।